प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी योजना बनाते हैं उसका ऐलान वो खुद करते हैं। योजना कैसे काम करेगी, प्रधानमंत्री की योजना में किस किस को फायदा मिलेगा, सरकार कितनी मदद करेगी, कितना पैसा खुद खर्च करना होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बताते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को फॉलो करिए, फर्जी लोगों के चक्कर में मत फंसिए। प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी करने के लिए बाजार में ऐसे कई अपराधी घूम रहे हैं। 10,000 रुपए की नेशनल स्कॉलरशिप वाली योजना फेक है। मजदूरों को मोदी सरकार से 1,20,000 रुपए मिलने वाला ये दावा गलत है। लॉकडाउन रिलीफ फंड से सभी को 7,500 रुपए देने का ये दावा भी धोखाधड़ी का हिस्सा है। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने से 2,000 रुपए का रिलीफ फंड मिलने के लालच से बच कर रही है। इंटरनेट पर वायरल हुई पीएम धन लक्ष्मी योजना भी ठगी के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर बनाई गई इन दो वेबसाइटों से भी सावधान रहिए। प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री की फोटो या भारत सरकार के अशोक स्तंभ लगाकर बनाए जाने वाले ऐसे मैसेज ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हम सबके मोबाइल फोन में पहुंचते हैं। हजारों लाखों का लालच दिखाकर रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपए से लेकर 500 रुपए की डिमांड की जाती है। लालच में फंसकर लोग छोटी रकम पर ध्यान नहीं देते, फर्जीवाड़ा करने वाले उसी का फायदा उठाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की ये वेबसाइट ओरिजिनल है। मोदी सरकार गरीब मजदूरों को इसके जरिए फायदा पहुंचाती है। स्टार्टअप क्रिएट करने और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देने में सरकार इस ऑनलाइन रूट का इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के इस तस्वीर पर भी नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। इसमें हर महीने 4,100 रुपए का भत्ता देने का वादा किया गया है, लेकिन इसके झांसे में मत आइए, ये बिल्कुल फेक है। कोरोना महामारी फैलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाया और उसकी यूपीआई आईडी जारी की। PM CARES@SBI पर लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। फर्जीवाड़ा करने वालों ने रातों रात एक दूसरा अकाउंट खोल दिया। फर्जी अकाउंट की यूपीआई आईडी में सिर्फ एस का अंतर रखा गया। यूपीआई आईडी पीएम केयर्स है, जबकि नकली आईडी पीएम केयर है। फिर से ध्यान दीजिए, PM CARES@SBI सही है, PM CARES@SBI फर्जी है। पीएम केयर्स के फर्जी अकाउंट को बंद करा दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर सरकार इसे समय रहते ना पकड़ती तो कितना बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो जाता। प्रधानमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री की फोटो दिखाकर होने वाली ठगी से कैसे बचें? इसका बेहद ही आसान तरीका यहाँ देखिए। मोदी सरकार जो भी योजना बनाती है उसकी जानकारी केंद्र सरकार की वेबसाइट पर होती है, NIC.in और GOV.in। वेबसाइट के URL में आखिर में अगर ये दो हो तो समझिए कि आप सही जगह पर हैं। वेबसाइट में अगर .com या .org हो या कुछ और लिखा हो तो सतर्क हो जाइए, क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो ठगी से बचे रहेंगे। मोदी सरकार गुपचुप तरीके से कोई योजना शुरू नहीं करती। मोदी सरकार कभी रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं मांगती। प्रधानमंत्री किसी के पर्सनल डिटेल, फोटो और खाता नंबर नहीं मांगते। प्रधानमंत्री मोदी कभी जनता से पैसे की डिमांड नहीं करते। लोन या सब्सिडी देने के लिए प्रधानमंत्री बिचौलियों को अपॉइंट नहीं करते। मोदी सरकार ने सरकारी कामकाज को क्लीन रखने के लिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया है। प्रधानमंत्री रिमोट दबाते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे किसानों के खाते में पैसे पहुंचते हैं। ईपीएफ ना मिलने की समस्या हो या लोन मिलने में कोई परेशानी हो, सरकार से इसकी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। नरेंद्र मोदी के दुश्मनों को मोदी का ये काम फूटी आंखों नहीं सुहाता।